अगर एक बार पुल बन गया या रोड टूट गया तो दोबारा तुम्हारे गांव में पुल बनी ना तोड़े कर खेत में पानी पहुंच। और जब तक काम के टोन भी बंद करवा तब तक कोई समाधान नहीं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। सावधान, यदि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर आवाज उठाते हैं तो हो सकता है आपको जेल जाना पड़ सकता है। आप जनता की आवाज को ज्यादा मुखर करेंगे तो हो सकता है ACST के एक्ट में फंसा कर आपको जेल भेजा जा सकता है। इसलिए आप अपना मुंह बंद रखें और चुपचाप सब कुछ देखते रहें, क्योंकि यहाँ विकास योजना को धरातल पर लाने का डींग हाँकने वाले ठेकेदारों के द्वारा प्रायः दम भरा जाता है कि उन्हें उनकी मनमर्जी करने दिया जाए। यदि उन्हें कोई छेड़छाड़ करेगा तो या तो नक्सलियों से काम तमाम करवाएंगे या पुलिस से फंसाकर जेल भेज देंगे। हालांकि कभी ऐसा देखा नहीं गया कि इनकी बातों को सुनकर कोई पार्टी वाले या मामा जी भ्रष्टाचार की आवाज उठाने वालों को बेवजह परेशान किए हों। परंतु ठेकेदार आए दिन इस तरह का दम तो भरते ही हैं कि उन्हें कोई छेड़ेगा तो उन्हें वह छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड का, जहां पर कुछ ऐसा ही मामला देखने को सामने आया है। दो दिन पूर्व समदरी गांव में 6 गांव के ग्रामीणों की बैठक बिजली समस्या को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें 250 ग्रामीण आए थे। ग्रामीणों को शिकायत जब मिली कि बगल में ही 87 लाख से पुलिया निर्माण कराया जा रहा है, जहां गुणवत्ता की धज्जियां उड़ाई जा रही है और मजदूरी भुगतान भी सरकारी दर पर 325 रुपए नहीं दिया जा रहा है, तब आक्रोशित ग्रामीण पुलिया निर्माण स्थल पहुंचे और इसका विरोध जताया। ग्रामीणों का नेतृत्व नंदलाल महतो जैसे कुछ युवा कर रहे थे। 16 मार्च को ना जाने किनके आदेश पर गुरदरी पुलिस समदरी गांव पहुंची। नंदलाल के साथ पुलिस की बगझग हुई। संयोग से मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष जुम्मन खान भी पुलिया निर्माण स्थल पहुंचे थे और 325 रुपए मजदूरी भुगतान कराने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने जुम्मन खान को पुलिया की तस्वीर लेते हुए देखकर उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। गया गुमला जिला मजदूर संघ के अध्यक्ष जुम्मन खान कल ग्रामीणों के कहने पर, सूचना देने पर, मैं बिशुनपुर के समदरी ग्राम के ग्रामीणों की समस्या को सुनने के लिए गया। वहां पर बन रहे पुलिया निर्माण में संवेदक व पटीदारों के द्वारा घोर अन्याय किया जा रहा है, इस पर जांच होनी चाहिए। और मौके पर जब मैं गया तो पाया कि मजदूरों को मजदूरी रेट 200 रुपया दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इस तरह के कार्य ठेकेदार और संवेदक के द्वारा करना एक बहुत निंदनीय घटना है। गुमला जिला के उच्च अधिकारियों से अपील करता हूं कि चालक व जवानों पर कार्रवाई करें, अन्यथा मजदूर यूनियन के द्वारा पूरे जिला, पूरे झारखंड राज्य में आंदोलन होगा और मजदूरी रेट जो 325 रुपया है वो दर मजदूरों को मिलना चाहिए। नहीं मिली तो इसके विरुद्ध भी हम लोग उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, नहीं कार्रवाई करने पर आंदोलन करेंगे। इधर मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण झुंड की झुंड पहुंचे और अपना विरोध जताने लगे। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा समझाने बुझाने के बाद पुलिस ठंडा हुई और वापस चली गई। इस संबंध में जब गुरदरी थाना प्रभारी सर उराव से बात की गई तो उन्हें कहा कि कुछ मामले को लेकर समदरी गए थे, जहां ग्रामीण और नंदलाल महतो को समझाकर वापस लौट गए। इस संबंध में नंदलाल महतो से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार के इशारे पर थाना प्रभारी पहुंचे थे और बदसुलूकी की गई है। इस विषय पर वे जल्द ही गुमला SP के समक्ष रखेंगे। लोगों ने गया पुलिया निर्माण के पास, लोगों ने पूछा तो वहां सही पाया कि मजदूर को वहां सिर्फ 200 रुपया हाजिरी मिल रहा है। तो हम लोगों ने बोला कि भाई 325 रुपया हाजिरी जो है गवर्नमेंट की वो दो। तो इसी बात में संवेदक ने वहाँ के सुपरवाइज़र जो है कंपनी के, वो उसने थाना प्रभारी को बुला लिया।
थाना प्रभारी आए और कई इनका तो कहना ही नहीं है, उग्रवादी से भी धमकी दिया थे कि भाई आप उग्रवादी से आपको उठवाएंगे, इस तरह का भी बात कहा था। फिर थाना प्रभारी आए, थाना प्रभारी से हमारी बात हुई, थाना प्रभारी ने गुड़दरी थाना जो प्रभारी हैं उनको हम लोग बताए कि सर ये आवेदन हम लोग कई बार यहाँ बोल चुके हैं मजदूरी भुगतान को लेके, काम को लेके, लेकिन ये सुनता नहीं है, और आप आए हैं तो आप हमारे लिए काम कर रहे हैं या ठेकेदार के लिए कर रहे हैं? अगर ठेकेदार के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, हमको हथकड़ी लगाइए, जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा घटना है, इसमें बहुत तरह से बेइज्जत भी हुए, कई कार्यकर्ता थे, कई लोग थे, उनको धक्का मुक्की भी किया गया। ये बेहद चिंता का विषय है कि आज जनता का समस्या जो है उस पर अगर कोई बोले तो उसको उग्रवादी से उसकी हत्या हो या फिर पुलिस उसको दबाए, तो दोनों तरीके से गांव के लोग हम लोग पीछे जा रहे हैं, हम लोग अन्याय के खिलाफ में बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग की तरह कई तरह से दबाए जा रहा है, बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए मैं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी से, जो गुमला जिला प्रभारी भी हैं बिसुतरी का, उनसे बात रखूंगा और मैं आह्वान किया हूं कि 26 मार्च को बिशनपुर प्रखंड मुख्यालय में महारैली का मैं आयोजन किया हूं, जिसमें 10 से 15 हज़ार लोग होंगे, ये मेरा है, और कई मांगे हैं, कई समस्या है प्रखंड में। हमको पूरा विश्वास है कि इस बार हम लोग किसी भी कीमत पे जंग को नहीं छोड़ेंगे, जंग लड़के रहेंगे और सारी समस्या से लोगों को बरी जरूर करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर गरीब मजदूरों की हक की बात करने वाले नंदलाल महतो के पीछे पुलिस क्यों पड़ी है? भ्रष्टाचार की पोल खोलने और गरीबों के हित की बात करना क्या गुनाह हो गया है? क्या इंजीनियर और ठेकेदार गठजोड़ कर अपनी मनमर्जी करते रहे और उन्हें कोई नहीं बोले? सवाल यह उठता है कि आखिर इस सिस्टम को कौन देख रहा है? लगभग 35 लाख की लागत में पूर्ण हो जाने वाले पुलिया का प्राकलन 87 लाख कैसे पहुंच गया? क्या उक्त पुलिया का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्वक हो रहा है? यदि हाँ तो ग्रामीण विरोध क्यों कर रहे हैं और संबंधित अभियंता क्या देख रहे हैं? 200 मजदूरी भुगतान क्यों दिया जा रहा है? श्रम अधीक्षक महोदय कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यह उनके कर्तव्य निष्ठा पर भी सवाल खड़ा करता है। सारी समस्याओं का समाधान जनता के पास ही है। जनता जब सड़क पर उतरेगी तब सब के सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। अधिकारियों की फाइलें सर पर दौड़ने लगेंगी और गरीब जनता को न्याय मिल जाएगा। हम तथाकथित ठेकेदारों से पूछना चाहते हैं कि क्या आपके खौफ से पत्रकार कलम चलाना बंद कर दें? आम जनता सच की बात करना बंद कर दे? सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व तो भूल जाएं और आप जनता की कमाई पर मौज मस्ती करते रहें? अगर ऐसा है तो लोकतंत्र कहाँ है? सब्र कीजिए, 26 मार्च को बिशुनपुर में भ्रष्टाचार की पोल खोल रैली में सब साफ हो जाएगा कौन दूध का धुला है और कौन भ्रष्टाचार के कालिक में पुता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।